नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि महिलाओं को, खास तौर पर शादीशुदा महिलाओं को, ये गहने कभी भी नहीं पहनने चाहिए, वरना इससे आपके पति को कष्ट उठाने पड़ते हैं। साथ ही हम आपको बताएंगे कि वो कौन सी गलती महिलाएं आमतौर पे करती है जिसके कारण पति की बर्बादी तय है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जरूर लिखें, हर हर महादेव। दोस्तों, महिलाओं को गलती से भी ऐसे गहने नहीं पहनने चाहिए, और खासकर ये जानकारी सुहागन महिलाएं जरूर देखें। सुहागन महिलाओं के लिए उनका 16 श्रृंगार बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। शादी के बाद महिलाएं अपने पति के सौभाग्य के लिए श्रृंगार करती है। तो दोस्तों, चलिए सुनते हैं गुरुजी से कि वो क्या कहते हैं इसके बारे में। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर ले। दोस्तों, गले में मंगलसूत्र, माथे पर सिंदूर और हाथों में चूड़ियां, ये तीन चीजें तो हर शादीशुदा महिलाओं की खूबसूरती में चार चांद लगा देती है। पति के नाम पर किया गया ये श्रृंगार बहुत ही दिलचस्प और आकर्षक भी होता है। वही ज्योतिष शास्त्र के अनुसार महिलाओं के श्रृंगार की कुछ चीजों का गलत चुनाव उनके पति के लिए दुर्भाग्य का कारण बनती है। हिंदू संस्कृति के अनुसार वास्तु शास्त्र का बड़ा महत्व होता है। शायद यही कारण है कि जब कोई व्यक्ति कोई शुभ कार्य करता है तो वो इसमें वास्तु शास्त्र का बड़ा ध्यान रखता है। जैसे किसी शुभ कार्य को करने से पहले उचित समय और दिन आदि का पता किया जाता है। वही अगर हम सुहागन स्त्रियों की बात करें तो उनके लिए वास्तु शास्त्र में ऐसी कई बातें कही गई हैं जिन्हें सुहागन स्त्रियों को अपने जीवन में अपनाना बेहद जरूरी है। हालांकि तकनीक के इस दौर में बहुत कम लोग ही इन बातों पर यकीन रखते हैं। जहां लड़कियां हर चीज में काफी आगे निकल गई हैं, वही सुहागन स्त्रियां भी आजकल फैशन के अनुसार ही चीजों का इस्तेमाल करने पर यकीन रखती हैं। आज के समय में सुहागन स्त्रियां ऐसी कई चीजें भी पहनती है जिसके कारण उनके अंदर नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो सुहागन स्त्रियों को फैशन जरूर करना चाहिए, लेकिन फैशन के साथ साथ उन्हें अपनी संस्कृति और वास्तु शास्त्र का ध्यान भी बहुत जरूरी है। कई बार सुहागन स्त्रियां कुछ ऐसी चीजें भी पहन लेती है जिसके कारण उनका रिश्ता तक टूटने की नौबत आ जाती है, लेकिन जानकारी ना होने के चलते वो इस दोष को समझ नहीं पाती। तो आइए जानते हैं उन खास चीजों के बारे में। नंबर 1, काले रंग की चूड़ियां। सुहागन स्त्रियों को कभी भी काले रंग की चूड़ियां नहीं पहननी चाहिए, क्योंकि इससे उन्हें शनिदेव का प्रकोप झेलना पड़ सकता है। ऐसे में उनका विवाहित जीवन भी खराब हो सकता है। यहाँ तक कि उनके घर में भी नकारात्मक शक्तियों का वास होने लगता है। इसके अलावा घर में बच्चों पर भी कई मुश्किलें आ सकती हैं। नंबर 2, पैरों में सोना तत्वा। कई सुहागन महिलाएं अपने पैरों में सोने से बनी पायल या बिछिया पहनती हैं। इसे सुहागन महिलाओं के लिए अशुभ माना जाता है। बता दें कि पैरों में सोने के आभूषण पहनने से कुबेर जी नाराज होते हैं, जिसके कारण आपके जीवन में दरिद्रता आ सकती है। इससे घर में होने वाली आमदनी में अड़चने आती हैं, पति की तरक्की भी रुक जाती है और आपको आर्थिक समस्या का सामना भी करना पड़ता है। इसलिए सुहागन महिलाओं को अपने पैरों में हमेशा चांदी के गहने ही पहनना चाहिए। नंबर 3, सफेद रंग की साड़ी। सुहागन महिलाओं को कभी भी सफेद रंग की साड़ी नहीं पहननी चाहिए। हालांकि आज के समय में महिलाएं सफेद साड़ी पहनने में जरा सा भी संकोच नहीं करती, जिसके कारण उन्हें जीवन में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बता दें कि सफेद साड़ी पहनने से सुहागन महिलाओं का पतिव्रता धर्म खत्म होता है। इससे आपके दाम्पत्य रिश्ते में नकारात्मक शक्तियों का वास बढ़ता है। नंबर 4, बिछिया। दोस्तों, आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार दोनों पैरों की उंगलियों में बिछिया पहनना बेहद शुभ होता है। ये महिलाओं के गर्भाशय में समुचित रक्त संचार प्रवाहित करती है। पैरों में बिछिया पहनना वैवाहिक जीवन दर्शाता है। बिछिया एक तरीके से एक्यूप्रेशर का काम करता है, जो पैरों के तलवे से लेकर नाभि के लिए बेहद फायदेमंद होता है।
पैरों में बिछिया पहनना गर्भधारण में बेहद सहायक होता है। बिछिया पहनने से ब्लड का सर्कुलेशन ठीक रहता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि कैसी बिछिया आपके लिए अच्छी है और कैसी बिछिया आपको नहीं पहननी चाहिए। सोने का बिछिया कभी भूलकर भी न पहने, हमेशा चांदी का ही बिछिया पहने। साथ ही इस बात का ख्याल रखिए कि आप बिछिया अगर पहन रही हैं, तो कभी भी ढीली बिछिया जो आपके पैर से निकल रही हो ऐसी बिछिया नहीं पहननी चाहिए। इससे आपके पति पे कष्ट आता है और ध्यान रखें कि वो कभी गुम न हो, क्योंकि इससे माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है। इसका सीधा असर आपके घर की आर्थिक स्थिति पे पड़ता है। बिछिया न पहनने से पति के स्वास्थ्य पर इसका असर पड़ता है। बिछिया हमेशा दोनों पैरों की दूसरी और तीसरी अंगुली में पहनना चाहिए। बिछिया अगर आप पहन रही हैं, तो ध्यान रखें कि बिछिया का रंग कभी काला नहीं होना चाहिए। चलिए अब आपको बता दें कि कैसी बिछिया अच्छी है। तो दोस्तों, पैरों में हमेशा चांदी की बिछिया पहने, और ये बिछिया अगर मछली के आकार की हो तो सबसे असरदार मानी जाती है। मछली का आकार मतलब बीच में गोलाकार और आगे पीछे कुछ नोकदार सी और घुंघरू वाली बिछिया पहनेंगे तो माना जाता है। इससे माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है, क्योंकि घुंघरू की आवाज माँ लक्ष्मी को अति आकर्षित करती है। ऐसे घरों में माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से वास करती है। तो दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।